कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीपीएम को फटकार लगाई। आग बबूला हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मौके पर मौजूद डीएम से डीपीएम को तुरंत बर्खास्त करने का निर्देश दिया। दरअसल कटिहार के कोसली में जवाहर नवोदय विद्यालय में बन रहे मनरेगा के तहत पोखर का निरीक्षण करने गिरिराज सिंह पहुंचे थे। इस दौरान जीविका दीदियों के द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री को नहीं थी और उन्हें कार्यक्रम में जाने को कहा गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कटिहार के जिलाधिकारी उदयन मिश्रा पर भड़क गए। यही नहीं, जीविका दीदियों ने जब केंद्रीय मंत्री को गाड़ी से उतरने को कहा तो केंद्रीय मंत्री उतरते ही डीपीएम पर भड़क गए और डीपीएम को जाने को कह दिया। यही नहीं, डीएम को निर्देश दिया कि डीपीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए। आपको प्रोग्राम में जुड़वा दिया था ना? प्रोग्राम भी था कि सर यहाँ आएंगे तो लोग यहाँ भी देखे। आप या तो हमको बेइज्जत कराना चाहते थे या आपका मिसमैनेजमेंट था? क्यों, जब हम जा रहे थे तो क्या बात हुई वहाँ? अब सीधे मखाना देखने जाएंगे? यही दो प्रोग्राम था, एक मनरेगा पार्क का था, एक तो डीपीएम को बर्खास्त कीजिए, उसके अगेंस्ट में। वहीं जीविका दीदियों ने कहा कि हम जीविका दीदी का भी एक कार्यक्रम का आयोजन है, इसमें आपको सम्मिलित होना है, लेकिन इस कार्यक्रम की सूचना मंत्री गिरिराज सिंह को नहीं थी। जीविका दीदियों ने कहा कि वह काफ़ी देर से अपने कार्यक्रम में उनका इंतजार कर रहे हैं। यह बात सुनते ही गिरिराज सिंह आग बबूला हो गए और जीविका डीपीएम को सरेआम फटकार लगाना शुरू कर दिया। गिरिराज सिंह ने जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा की भी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि जब इस तरह का कार्यक्रम आयोजित था, उन्हें इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सरेआम डीपीएम को वहां से चले जाने को कहा। मैं क्यों नहीं जुड़ पाया? आप लोगों को पैसे की कोई जरूरत नहीं जरूरत है ना? मैं यही कह रहा हूँ, सारे जो ब्लॉक लेवल पर प्रोजेक्ट चले जाए और आप क्या ये प्रोग्राम आप क्यों नहीं जो डीएम के यहाँ जुड़ पाए? मैं नहीं जुड़ पाए तो यहाँ कैसे हुआ? मैं इतना ही कहूँगा कि इन लोगों की आमदनी 1,00,000 रुपया जब तक नहीं होगा, मैं आप लोगों के कार्यक्रम में नहीं आऊँगा। दीदियों से बात हो गई तो दीदी से बात करनी है, ये तो 1,00,000 रुपया आमदनी चाहते हैं। आप पैसा खाते हैं सरकार, आपको ड्यूटी दिया है कि आप इनकी आमदनी 1,00,000 कराएं, यानी 10,000 रुपया महीना करें। ये बना लेंगे तो मैं बिना प्रोग्राम का आऊँगा, ऐसे नहीं आऊँगा। ये केवल सरकार का पैसा, सरकार से अपना प्रोग्राम कर लिए, इनकी आमदनी बढ़ाओ, उसके प्रोजेक्ट बनाओ कि 1,00,000 रुपया दीदी की आमदनी कैसे होगी। ये जब होगा तो मैं आपके साथ। सर कुछ समय के लिए समय दिया जाए सर, सर रिक्वेस्ट है सर, सर कुछ समय दिया जाए सर तो नहीं हो जाएगी। कटिहार से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।